गोगड़िया और सी फिमाना और अगर साइल गोगड़िया यानी गोगड़िया जिला जीत की टीम है, चिड़ियाघर साइड और स्टेडियम के साथ दो टीम है, पिनाना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत बिंद पिनाना जिसको कहा जाता है, साइल गोगड़िया पहली रेड पर आ चुका दोस्तों, 7:30 और 8 के मैच चले हुए। अगली टीम वीरेंद्र फरमाना और सिंह कापरू, कापरू की टीम हाथ उठाए, कापरू कापरू टीम अगर तो हाथ उठाए, कापरू 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 बाद में मत बोलना, डिस्टर्ब आप भी खुद हमारे को भी कर लो। यंग की तलाट बहुत ही जबरदस्त, हरियाणा और पंजाब की कबड्डी का बहुत जाना माना नाम है दोस्तों, अंक की तलाठिया साहिल को मिलिया फिर एड करता हुआ, चाहे धाकर की बात करो, चाहे साहिल की बात करो, चाहे वेदपाल दास की बात करो, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी वेदपाल की बात करो, बाबा नागदेव का खेल मेला होता हर साल घोगड़िया में, और यह साहिल बहुत ही अच्छा रेडर 80-85 किलोमीटर, इस भाई का बिल्कुल ऊंचा नाम है और पिनाना का रेडर घोगड़िया जिला जींद के पाले में चलता हुआ, जिसका मैच बोला जाए तुरंत खेल मैदान पर आए, ऐसे तो पूरी रात चलेगा ये। हाँ, और इतनी कड़ाके की ठंड में जय जैन साहब की बात है, जगोर साहब की बात है, धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में खेलों का आनंद उठा रहे हैं। कैच चल गया धाकड़ के द्वारा, घोगड़िया की टीम बिल्कुल आ गया और हमारी तलोटा छत्र का मैच है भाई, और साहिल रेड पर है, साहिल 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 घोगड़िया वाला साहिल, लेकिन अभी तक अनटच घूम रहा, और ये देखिए ये भी एक तकनीक है, बिल्कुल अच्छी कैच लगाई लंबू भाई ने, बनाने के गांव के खिलाड़ी ने, पिनाना में हॉकी का बहुत ज्यादा शौक है, ऑन द ग्राउंड है हॉकी का, और सालों साल पुरानी हॉकी है, पिनाना का मशहूर हॉकी से गांव माना जाता है, डीएसओ कोच काफी हॉकी के लगे हैं वहां से निकल करके, और लेकिन सर्कल कबड्डी को जो चाहे हॉकी वाला खेलो, चाहे भाई फुटबॉल का खेलो, चाहे हैंडबॉल का खेलो, सभी दूसरे गेम को जो खेल खेलते हैं, लेकिन सर्कल कबड्डी को सभी प्यार करते हैं। चलिए अंकित लाठिया जिला सोनीपत का खिलाड़ी, सोनीपत की पिनाना टीम के खिलाफ अपनी अच्छी रेड करके दिखाएगा, अंकित लाठी और सचिन गांगुली इस टीम के प्रतिभागी होंगे, सचिन शर्मा फिलहाल वो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मैच के हिसाब से खिलाड़ी तैयार होके आते हैं, हमारा मैच हल्का है, 12 है, बराबर का है, वो सूझ बूझ उनके पास होती है हमेशा। शाबाश शाबाश, जल्दी चलिए, और इधर बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मैच आपके बीच में चलता हुआ, वीरेंद्र फरमाना और
कापड़ों इस मैच के बाद मैच होगा, ये ठीक है चंदा गढ़ के पक्ष में, एक इसी के बाद मैच समाप्त हुआ।